मैंने अलाउ कर दिए हैं आपको, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं कि उसमें चलते हैं बेसिक स्टैंड। आपको मैंने बता दिया है केबी है और ये इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, मतलब केबी, अगर केबी का वैल्यू बड़ा हुआ तो स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्मॉलर वैल्यू हो गया तो वीक बेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर पीकेबी का लार्जर वैल्यू हुआ तो उल्टा हो जाएगा, स्मॉल आई मीन बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। इनवर्स रिलेशन होता है इसके साथ, इसके डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम जब आएगा, एक दो आपको क्वेश्चंस भी करा दूं, ठीक है। अच्छा ये हो गया के और केबी के लिए। अब मैं आपको लेके चलती हूँ, एक टॉपिक है आज जैने भी आया नहीं है ना, नॉट प्रेजेंट, नो मैम। ओके ओके। तो अब हम चलते हैं थर्ड जो पॉइंट है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, एक न्यूमेरिकल करने से पहले आपको यहाँ पे सारा फॉर्मूला एक बार दोबारा लिखा दूंगी, जो कि न्यूमेरिकल में यूज होता है, जिस फॉर्मूला को आप न्यूमेरिकल में डाल सकते हो उसमें जाएंगे और फिर देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसे हम कहते हैं के डब्ल्यू कहते हैं। अगर पूरा डिफाइन करो तो बहुत टाइम भी लगेगा, है वैसे पूरा, आप अगर चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल से लेके इसे आप सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको एक सिंपल तरीके से सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि हमारे फिर इसमें फिर आज पूरा डे इसी में चला जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन। के डब्ल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। कंसेंट्रेशन क्लियर है, ये दोनों के हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का प्रोडक्ट को हम केडब्ल्यू कहते हैं, ठीक है। अच्छा न्यूट्रल वाटर मैं आपको बताती हूँ, न्यूट्रल वाटर का पीएच कितना होगा? सेवन। बहुत अच्छा, न्यूट्रल वाटर का पीएच अगर 7 है, मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है, पीएच अगर 7 है तो एच प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10^-7। अब एंटी लॉक करके निकाल सकती हो, पीएच अगर 7 है तो एच प्लस का कंसेंट्रेशन 10^-7 हो जाएगा, ठीक है। एंड ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन भी 10^-7 मोल पर लीटर एंड मोल पर लीटर होता है। न्यूट्रल वाटर को लेके हम चलते हैं, न्यूट्रल वाटर के लिए पीएच जो है 7 है। अच्छा आपको इसलिए, इससे पहले मैंने, आप याद करो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी, एच प्लस का कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन का एक वैल्यू बता, मुझे बताओ, और पी जस्ट पी एच और पी ओ एच का एक वैल्यू बता प्लस मैम आपने 10 10-14 बताया था। 10^-14 है इन दोनों का प्रोडक्ट, यस और मैम, ये और कितना है, 14 है। 14, ठीक है, क्लियर है। तो हमेशा ये जो है ये कांस्टेंट रहता है, 10^-14। अगर कोई चीज कांस्टेंट है, मान लो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है, ओके, तो अगर ये बढ़ेगा तो घटेगा ना, तभी तो घटेगा। कांस्टेंट होगा। या फिर अगर मीडियम ज्यादा बेसिक है, मान लो कोई मीडियम ज्यादा बेसिक हो गया तो कौन बढ़ेगा इन दोनों में से, किसका कंसेंट्रेशन एच बढ़ेगा? प्लस नहीं, बेसिक बेसिक मीडियम है, ओ मीडियम एच अगर मीडियम मेरा बेसिक हो जाएगा तो इन दोनों में क्या बढ़ जाएगा, माइनस ओ एच बढ़ जाएगा क्योंकि बेसिक मीडियम हो गया। अगर ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इसको कॉन्स्टेंट रखने के लिए ऑटोमेटिकली एच प्लस का कंसेंट्रेशन घटना पड़ेगा, ये क्लियर है। तो ये आपको मैंने बताया था पिछली क्लास, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि न्यूट्रल अगर वाटर है, न्यूट्रल वाटर का मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है, मतलब पीएच जो है वो जस्ट 7 है। अगर पीएच 7 है तो एच प्लस का कंसेंट्रेशन है 10^-7। ध्यान रहे न्यूट्रल वाटर का एच प्लस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू
OH माइनस कंसेंट्रेशन मैं दोबारा यहाँ पे लिखा देती हूँ आपको, न्यूट्रल वाटर के लिए H प्लस का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 मोल पर लीटर, ये न्यूट्रल वाटर के लिए। अगर वाटर एसिडिक हो जाएगा तो अगर H प्लस का बढ़ जाएगा तो इसको घटना पड़ेगा, सो दैट ये दोनों कॉन्स्टेंट रह जाएंगे हमेशा प्रोडक्ट जो है। अच्छा यहां तक मैंने आपको दे दिया है, अब हम चलते हैं कि KW क्या है, प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। सो KW इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे, कंसंट्रेशन क्या होता है मैंने बताया आपको 10 टू द पावर माइनस 7 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7, दोनों माइनस 7, 10 का माइनस 7, तो इसमें भी 10 टू द पावर माइनस 7 लिया, इसमें भी ले लिया, ये आ गया आपका 10 टू द पावर माइनस 14, जो कि मैंने वहां पे आपको लिखवाया था, क्लियर है। तो आपको क्या मिला, KW इज इक्वल टू, KW इज इक्वल टू इन दोनों का कंसंट्रेशन है, KW इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 आ गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 आ गया, जो कि दोनों का प्रोडक्ट है। अब हम चलते हैं, व्हाट इज PKW, यस क्या हो जाएगा PKW, मैम माइनस लॉग ऑफ के, बहुत अच्छा माइनस लॉग ऑफ KW, किसी का भी जब पावर निकालते हैं आप क्या करते हैं माइनस लॉग ऑफ दैट, सो दिस इज माइनस लॉग ऑफ KW, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सबका, यस मैम, यस मैम। मैंने KW मिल गया है 10th पर माइनस 14, सो PKW हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ KW, एंड माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW के बदले डाल दो 10 टू द पावर माइनस 14 डालो, कितना बन रहा है ये आंसर, इज इट 14, 14 ही होगा, क्लियर है, माइनस 14 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, लॉग 10 1 हो जाएगा, तो दिस इज 14, एंड व्हाट इज 14, बेसिक है, 14 means 10, 14 का मतलब pH plus pOH, आपको पहले मैंने लिखवा दिया था, ये डिराइव यहां से होता है, वहां ये जो आपको कल मैंने लिखवाया था इसका डेरिवेशन यहां से आता है, तो प्रॉपर इसका भी माइनस लॉग निकाल के ये पूरा आ जाएगा आपका, बट अननेसेसरी आपके पास टाइम नहीं है, वो डिराइव कराऊंगी अननेसेसरी, आप घर में भी ट्राई कर सकते हो, यू विल गेट हियर। तो हमें अभी तक क्या मिला, हमें अभी तक मिला, एक तो हमें मिला यहाँ पे KW इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, KW का वैल्यू ऑल सर्कमस्टेंसेस इट इज ऑलवेज 10 पर माइनस 3 KW जो था एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या कहा है फिर H प्लस का कंसंट्रेशन इनटू OH का कंसंट्रेशन, ये भी आप एक फॉर्मूला यहाँ पे ले सकते हो, क्लियर है। और दूसरा हमने क्या देखा, और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि PKW इज इक्वल टू 14, PKW इज इक्वल टू 14, ये भी हमने जाना PKW इज इक्वल टू 14, हमने ये निकाला है अभी दिया है, तो ये एक है, जब जरूरत पड़ेगा हम इसको फिर यूज करेंगे, इसको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को लेके हम इसे फिर धीरे धीरे यूज करेंगे, जानेंगे कैसे यूज होता है। तो दिस इज डाटा इज अबाउट एनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, किस तरीके से हम निकालते हैं, KW क्या है, PKW क्या है, किस तरीके से आता है, और आपको तो ये यूज करना भी आता है ना, कल मैंने करवाया था कुछ क्वेश्चंस जिसमें कि हमने ये फॉर्मूला भी यूज करा था, दिस इज माय एनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब हम चलते हैं, छोटा सा एक पॉइंट है आपको बता देती हूँ, बिकॉज उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है, तो KW का और एक यूज फॉर्मूले पे आपको KW यूज करना पड़ता है, इसे हम कहते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर के लिए भी KW का क्या रिलेशन होता है, कैसे रिलेट करते हैं KW के साथ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को, ठीक है। तो अगर आपने ये सब लिख दिया है, दोबारा आपको फिर मैं लिखवाऊंगी, ये अभी तो आपको मैंने बताया है, दोबारा एक शॉर्ट एक पेज बना के ना मैं सारे फॉर्मूला इकट्ठा करवा दूंगी, सो दैट आपको न्यूमेरिकल में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपने लिख दिया है तो रब करूंगी मैं,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस पेज में क्या क्या जाना, देखो हमने जाना, अगर मेरे पास गिवन है सी अल्फा स्क्वायर, सो पी के माइनस लॉग ऑफ के करते हैं, फॉर्मूला डालते हैं, सीधा आ जाता है आंसर, और ये है रिलेशन होता है। अगर मेरे पास के भी पता है सी अल्फा स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यूज होता है, तो पी के भी कैसे होता है, माइनस लॉग ऑफ के भी होता है, सीधा के भी का वैल्यू डालते हैं, एनिवल करते हैं आंसर, और बेसिक स्ट्रेंथ का ये रिलेशन होता है। और साथ में आपने क्या पढ़ा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है ये, के डब्ल्यू, इसके बाद में क्या है, के डब्ल्यू का वैल्यू 10^-14 होता है और पी के डब्ल्यू का वैल्यू 14 होता है, ठीक है। और बाकी दो रिलेशन था मैंने, ठीक है। अब हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन के ए के बी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यहीं पे करा देती हूँ, टॉपिक है, उसके बाद हम सीधे चलेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी ऑफ रिलेशन बिटवीन के ए के बी ऑफ कंजुगेट, दिस इज कंजुगेट, हाँ दिस इज कंजुगेट बेस पेयर। मान लो मैं एक एसिड ले लेती हूँ, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, आपको पढ़ाया है ना कि कोई भी सब्सटेंस देंगे तो कंजुगेट एसिड कैसे निकालोगे, कंजुगेट बेस कैसे निकालोगे, ऑल ऑफ यू नो दैट। तो हम चलते हैं एक एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड ले लेते हैं, ये वीक एसिड है C3COOH, इतना एक एसिड है, ठीक है। अच्छा इस कंजुगेट बेस बताना, अगर ये एसिड है तो कंजुगेट बेस बताओ मुझे, व्हाट इज द कंजुगेट बेस फॉर दिस, यस व्हाट हैपेंड, ये अगर कंजुगेट एसिड है तो CH3COO CH3COO माइनस बोला जाता है उसको, माइनस खाली CH3COO पे प्रोमार्क्स कट जाएगा, क्योंकि कंजुगेट एसिड, ये एसिड है, ये एसिड है, ये वीक एसिड है, कंजुगेट बेस, एक एसिड का कंजुगेट बेस निकलता है, एक बेस का कंजुगेट एसिड निकलता है, तो मेरे पास तो एसिड है ना, तो सर कंजुगेट बेस निकाल दिया, कंजुगेट बेस निकाल करने के लिए हम क्या करते हैं, H प्लस को माइनस कर देते हैं, यहां से अगर मैं H प्लस को हटा दूंगी ना, बेस बन जाएगा। अच्छा बिग, अगर ये एसिड है तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, अगर ये एसिड है तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट K हो जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट K हो जाएगा, और अगर इसका कंजुगेट बेस ये है तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, KB, और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, KW is equal to KA into KB, KW आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, isn't it? Yes, ma'am. KW के साथ रिलेशन होता है, बट हर K KB का नहीं होता है, उस K KB का होता है जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं। बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं किसी का भी के, किसी का भी के भी दे दूंगी तो क्या मैच कर जाएगा, नहीं, अगर कंजुगेट एसिड बेस पेयर का मैंने के भी लिया है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लागू होता है, KW is equal to KA into KB, and again what is KW, 10 to the power, yes ma'am, तो ये रिलेशन भी आप न्यूमेरिकल में है आपका, एंट्रेंस वालों के लिए तो ये स्ट्रॉन्ग काफी है, देते हैं पूरा, ठीक है, ये रिलेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में भी ये रिलेशन है बेटा, ये इससे क्वेश्चंस देते हैं, KW is equal to K into KB is equal to 14, now what is PKW is equal to
ए जो मल्टीप्लाई है मुझे इसको प्लस कर देना है, पी के बी इज इक्वल टू 14, पी के डब्ल्यू 14 है। तो आप देख रहे हो कितने वैरायटीज ऑफ रिलेशंस निकल रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, यहां से ये प्रूफ है, प्रूफ हो जाएगा, प्रॉपर डेरिवेशन है इसका। अगर किसी को इंटरेस्ट है वो डेरिवेशन, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं डेरिवेशन करवा के दिखा दूंगी प्रॉपर आपको। सिंपल, इसका के डब्ल्यू, इसका पी लो, टोटल का पी लो, टोटल का माइनस लॉग आ जाएगा, फिर लॉग रूल यहाँ पे अप्लाई करके प्लस डालोगे, ऑटोमेटिकली विल गेट पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी के ए प्लस पी के बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 10 का माइनस 14 था, ये 14 हो जाएगा। तो दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये भी है। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? एक तो ये पढ़ा, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए पढ़ा आपने, के डब्ल्यू इज इक्वल टू के ए इंटू के बी 10 का माइनस 14। और आपने क्या पढ़ा अभी? आपने ये भी तो पढ़ा अभी, ये भी तो मैंने पढ़ाया आपको, के डब्ल्यू इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट भी होता है, के बी का भी प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट होता है, बताया मैंने यहाँ पे, और ये भी माइनस 14 है। और क्या आपने पढ़ा? पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू के एच प्लस पी ओ एच इज ऑल्सो 14। जो न्यूमेरिकल्स करोगे इसके अलावा और कोई आपको रिलेशंस नहीं जानना है, प्लीज मेक इट अ बॉक्स एंड राइट आउट सारे न्यूमेरिकल्स आपके। बाकी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सी अल्फा स्क्वायर वगैरह हो तो मैं कराऊंगी, बाकी ये चारों काफी सारे न्यूमेरिकल्स में आप यूज कर सकते हो। मेक इट अ बॉक्स, KW is equal to K into KB, जहां पे K KB क्या है? Conjugate acid base का ionization constant है। सबके नहीं है, आपको सारे कोई भी कुछ भी दे देंगे तो आप नहीं, आपको अगर conjugate acid base pair मिला हुआ है तो आप यूज करोगे। क्लियर है? आपको H2O दे देंगे, इसका conjugate base क्या है? H2O का। What is the conjugate base? Our OH minus is conjugate base. मुझे यहाँ से एक H को निकाल देना है, H plus को। तो इसका conjugate base ये है। तो इसका K मुझे given है, इसका K भी अगर मुझे given है, इन दोनों को multiply करूँगी तो KW मिलेगा। तो ये बताऊँगी आपको। दोबारा बताना, OH को क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये है ना acid है, मान लो water यहाँ पे acid का role play कर रहा है। इसका कंजुगेट बेस OH माइनस है, मान लो इसका के मिला हुआ है, एसिड तो के मिलेगा, बेस है तो के भी मिलेगा। अब इन दोनों को के ए और के बी को मल्टीप्लाई कर दोगे के डब्ल्यू, एंड उसका वैल्यू क्या है? 10 का माइनस 14 कांस्टेंट वैल्यू है। ये सारे कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको लिखा है। करेंगे करेंगे आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो सारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको मैंने एंटीलॉग भी बता दिया है, नहीं एंटीलॉग भी हमने सॉल्व कर लिए हैं और सब कुछ हमने कर लिया है। आप एंटीलॉग में कंफर्टेबल हो ना पूरा? हाँ मैम। यस मैम। अरे सारे बच्चे कंफर्टेबल हो। अच्छा, आज कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? आस्था, आस्था प्रेजेंट नहीं है क्या? नो मैम, प्रेजेंट है मैम। प्रेजेंट है, अच्छा ठीक है ठीक है। हेम सबरी, हिम सबरी प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। बाकी आयुष प्रेजेंट होगा डेफिनेटली, आज बच्चे कम हैं, इनफैक्ट आज के दिन आपको आना चाहिए था थोड़ा सा। एनीवे हम फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको मैंने के ए के बी का रिलेशंस भी बता दिया है, और यहाँ पे मेरा बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत बड़ा सा पोर्शन खत्म हो रहा है। उसके बाद 3-4 टॉपिक आपके बचते हैं, अब हम सीधे न्यूमेरिकल पे चलेंगे। खाली पढ़ा दूंगी तो नहीं होगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको मैं बताती हूँ कि न्यूमेरिकल एसिड मीडियम के लिए कैसे सॉल्व करा जाता है। एक आपको करा दूंगी एसिड मीडियम का, वही अप्लाई करने और एक बेसिक करा दूंगी, एंड दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अभी जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। ये तो आपको फॉर्मूला लिखवा दिया सारा मैंने, उसके बाद अभी जो पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताना कितना टाइम बचा है सचिन के लिए? मैम 9 मिनट।
9 मिनट बचे, कोई बात, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं स्टार्ट कराती हूँ। अच्छा आपके पास एनसीईआरटी है क्या बच्चे? नम क्या? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या? यस मैम है, एनसीईआरटी है आप सबके पास? कोई बात, यस मैम, जल्दी से निकाल दो। क्या है बच्चे, ये कोरोना का जो न्यू स्ट्रेन है वो इंडिया में भी आ पहुंचा है, क्वारंटाइन कर दिया मैम सबको, स्प्रेड भी हो गया है मैम, 9 केस स्प्रेड भी हो गया है। हां मैं वही तो बोल रही हूं, आ चुका है ना, बहुत खतरनाक है। हां मैम अब वो स्प्रेडिंग रेट ज्यादा है मैम। हां क्या है, स्प्रेडिंग रेट ज्यादा है बट खतरनाक कम बोल रहे हैं तो। यस मैम डेथ रेशियो कम होगा। हां अभी जो क्वेश्चन आपको मैंने दिया है उसके बाद आपको प्रॉपर क्वेश्चन में लेके जाऊंगी, बट उससे पहले सिंपल क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ। फटाफट से काम करना, आपको आता होगा कि थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप का आप एक मंडे मंडे मुझे कराना पड़ेगा प्रॉपर ना। ठीक है, ये तो मुझे कराना पड़ेगा, मोलारिटी वाला कंसेप्ट आ गया इसमें। ठीक है, 7.41, 7.42 एंड 7.43 आज कुछ बच्चे 12 के मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं, कल मूवी देखने जाएंगे क्योंकि उसके बाद उनका जेई मेंस वगैरह आने लग गया ना, फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका ये थोड़ा लास्ट एंजॉयमेंट करके वो फिर उनका स्टार्ट होगा। तो अभी थोड़ा सा बाहर नहीं जाना बच्चे, हाँ अभी बाहर जाना ठीक नहीं है, आपको भले एंजॉय करना है, आप यूट्यूब से कोई भी कुछ भी आपको जो भी देखना है आप देखो, या फिर आप कहीं पे भी घर में भी एंजॉय कर सकते हो, नो नीड कि आपको जाना पड़े बाहर। मेरा क्वेश्चन मिला कि नहीं? ऑल ऑफ यू क्वेश्चन मिल गया, 7.41, 7.42 एंड 7.43। मैम डन है, 7.41 हो गया। हाँ मैम, सारे बच्चों ने कर लिया होगा। The concentration of hydrogen ion in a sample of soft drink is 3.8 × 10⁻³ molarity, दिया है मोल पर लीटर। What is its pH बोला गया है, सिंपल है, आपको एक्सप्रेस कंसेंट्रेशन मिला है, पीएच निकालना है, कौन सा फॉर्मूला डाला मैम? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। बहुत अच्छा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन, लॉग टेबल देख के आपने निकाल दिया। कंफर्टेबल है दीपाली लॉग टेबल निकालने में? यस मैम। बहुत अच्छा, ठीक है, तो 7.41 बाकी बच्चों ने करा, प्राची आयुष यस, कहां गए सारे बच्चे? हाँ फॉर आर ऑल ऑफ यू, हाँ हो गया, नहीं है मैम, क्या है क्या नहीं है?
हम क्लास में ही हैं। हाँ फिर रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? मैम आंसर 2.42 है ना, आप चेक करो। मैंने बताया। हाँ मैम हो गया। आप रेस्पॉन्ड करोगे ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क चला गया आपका। ठीक है ओके, तो 7.42 द पी एस 7.42 करो, फटाफट से करो। आपको लास्ट 7.43 बताऊंगी, फिर हम चलेंगे दूसरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 7.42 में भी पीएच ही निकालना है ना? नहीं नहीं पीएच निकालना नहीं है, चेक करो क्या निकालना है। देखो एच माइनस लॉग ऑफ एच प्लस ना। हाँ नहीं आपको निकालने क्या क्या निकालने के लिए बोला गया है 7.42 में, क्या आपको फाइंड आउट करना है? मैम पीएच निकालना है। नहीं पीएच निकालना नहीं है, 7.42 पढ़ो, पीएच गिवन है। पीएच लिखा है मैम, एच प्लस निकालना है। पीएच गिवन है 1.7 × 10⁻⁴ सॉल्व हुआ, देख लो किन बच्चे किस बच्चे का सॉल्व हुआ किसका नहीं हुआ, देख लो एक बार, देख लो मैं यहीं पे करा देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मुझे करवाना पड़ेगा। ना 4.24 ही है ना आंसर तो। एक मिनट, हाँ मैं आपको 7.42 बोल रही हूँ ना, 7.42 सॉरी। ठीक है इसमें आपको पीएच गिवन है, पीएच आपको गिवन है 3 point something है, 7.6 है, और आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आपको हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन मांगा गया है, आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे डालते हो? एच प्लस के लिए सिंपल बताया था मैंने जो होता है, तो एंटीलॉग ऑफ माइनस पीएच डालते हो, this is equal to antilog of आप लेते हो माइनस पीएच के बदले मैं लिखूंगी माइनस 3.76। फॉर्मूला प्लीज गलती मत करना आप इसमें। और ये क्या आंसर आया है आपका अर्पित बताना जरा, 1.7 × 10⁻⁴ 10⁻⁴ आ गया है, और साथ में यूनिट भी आपको जोड़ना है। दिमाग में कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे 7.43। मैम तुम केबी हाँ यस बहुत अच्छा, क्या है क्या है दीपावली मुझे बता, बोल रहे हो अच्छे से बताओ। के बी निकालना है क्या? के बी निकालना है, कौन सा फॉर्मूला डालोगे क्या करोगे? मैम के डब्लू था। वेरी गुड, बोलो मैम। बोलो प्रोसीड करो, सही जा रही हो, प्रोसीड करो। हम के ए गिवन है के